एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है फिर से निशा और करण के रिश्ते को लेकर। निशा और करण का रिश्ता साल 2015 में ही खराब हो चुका था, इतना खराब कि अब ये तक पता चल रहा है कि करण लालची थे। जी हाँ, करण को पैसों से प्यार था। किसने कहा है ये और इतनी बड़ी स्टेटमेंट आखिर कैसे चली है पता, चलिए हम आपको चली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। निशा और करण के दोस्त हैं सेलिब्रिटी डिजाइनर रोहित वर्मा, और उन्होंने खुद बताया है कि इन दोनों के बीच में साल 2015 से ही परेशानियां शुरू हो गई थी। निशा पहले भी करण को मौका दे चुकी है। रोहित ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह की इमेज करण मेहरा की पर्दे पर दिखाई जाती है, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। वो असल जिंदगी में उसके बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने एक पति होने की हर सीमा को लांघा है, उन्होंने रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा है। निशा कभी नहीं चाहती थी उनका घर टूटे, लेकिन साल 2015 में जब निशा और करण के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो यहाँ पर भी निशा ने सोच लिया था कि वो करण को छोड़ देंगी। मगर उस समय भी रोहित ने बताया कि उन्होंने करण को समझाया कि आप दोनों एक बच्चा प्लान कर लो और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रोहित ने ये भी बताया कि करण बहुत ही अनरोमांटिक हैं और उनको मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। यानी कि साफ साफ कह दिया है रोहित ने कि करण को पैसों से प्यार है, निशा से नहीं। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने उसको समझाया तो उसने मेरी बात मानी और काफी हद तक चीजें ठीक हुई। करण जब बिग बॉस में गए तब निशा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद चीजें ठीक हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन साल 2018 में करण फिर से वैसे के वैसे हो गए। और आखिर निशा कब तक एक ऐसे इंसान के साथ रहती जो उससे बात तक नहीं करता था, जो अपनी चीजें तक निशा से शेयर नहीं कर सकता था। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि उन्होंने साफ साफ बताया कि निशा ने करण को काफी ज्यादा वार्निंग्स दी, लेकिन करण नहीं बदले। वो एक वाहियात पति रहे, जिसकी वजह से अंत में निशा ने हार मान ली और करण को छोड़ दिया। दोस्तों, क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।